लियो जो कि प्रिंसेस की असिस्टेंट होती है प्रिंसेस के साथ जंगल में आई होती है। जंगल में वो क्यूट से स्नेक को देखती है और उसे देखकर डर जाती है और भागकर प्रिंसेस के पास जाकर उसको कहती है कि वहाँ पे स्नेक है और वो दोनों धीरे धीरे उस स्नेक के पास जाती हैं। तो प्रिंसेस कहती है कितना क्यूट सा और छोटू सा स्नेक है ये, बट उस स्नेक के तो चोट लगी होती है। तो प्रिंसेस लियो को उस स्नेक के मरम पट्टी करने को बोलती है क्योंकि वो जख्मी जानवरों की मरम पट्टी किया करती थी, बट लियो तो उस स्नेक से बहुत डरती है। एक्चुअल में जब लियो छोटी थी तो उसे स्नेक ने बाइट कर लिया था, तभी से वो स्नेक से बहुत ज्यादा डरती है। बट प्रिंसेस उसे समझाते कि ये इतना क्यूट सा और छोटू सा है, तुम्हें इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो लियो मान जाती है। प्रिंसेस उसे बोलती है कि जब ये ठीक हो जाएगा तो वापस इसे जंगल में ही छोड़ देना। लियो बिचारी धीरे धीरे उस स्नेक के पास जाती है और उसे बोलती है कि देखो मुझे बाइट मत करना, और डर के मारे बिचारी धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाती है और फाइनली उस स्नेक को अपने हाथ में उठाकर उसे कहती है कि देखो प्लीज़ मैं तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ, मुझे कुछ मत कहना। और ये प्रिंसेस ये सब देख के हंस रही होती है और इसके बाद वो दोनों स्नेक को ले जाती है अपने साथ। घर आकर लियो उस स्नेक को केज में डालकर फटाफट से उस केज का डोर बंद कर देती है और उसे बोलती है कि देखो मैं तुम्हें केज में तो नहीं रखना चाहती, पर मुझे थोड़ा सा डर लगता है तुमसे, तो तुम्हें यही रहना पड़ेगा। बट वो क्यूट सा स्नेक केज में नहीं रहना चाहता, तो लियो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बाहर तो निकाल दूंगी, बट तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे बाइट नहीं करोगे। और लियो बिचारी डरते हुए उस स्नेक को केज से बाहर निकाल कर अपने बेड पे रख देती है और वो क्यूट सा स्नेक उसके बेड के पिल्लो पे चढ़ जाता है। तो लियो उसे कहते हैं कि तुम्हें केज तो पसंद नहीं था, अब तुम मेरे पिल्लो पे चढ़ के बैठ गए हो, क्या तुम्हें इतना ही पसंद है? और बोलती है कि लगता है मुझे ग्राउंड पे ही सोना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे बेड पे सोने लगे हो। और धीरे से अपना ब्लैंकेट वहां से उठाकर उसके लिए छोटा सा बेड बना देती है। जब लियो उसके मेडिसिन लगाने लगती है तो स्नेक डर जाता है, बट लियो से समझाती है कि देखो तुम्हें मेडिसिन लगवानी पड़ेगी, इससे तुम जल्दी ठीक होगे, और ये मेरे फादर की बनाई हुई स्पेशल मेडिसिन है। और कहने लगती है कि काश मेरे फादर जिंदा होते और मुझे प्रोटेक्ट करते, कितना अच्छा होता। और ये सारी बातें स्नेक उसकी बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। जब वो दोबारा उसके मेडिसिन लगाने लगती तो स्नेक बड़े प्यार से उसे मेडिसिन लगवा लेता है। लियो उसे कहती है कि तुमसे बात करने के बाद मेरा डर खत्म हो गया है, तुम सिल्वरी व्हाइट कलर के दिखते हो, मैं तुम्हारा नाम जाओबे रख देती हूँ। इसके बाद वो अपने दोनों के लिए खाना लेकर आती है जिसमें से वो जाओबे के लिए क्वेल एग और अपने लिए कुक्ड फूड लेकर आती है। जाओबे का तो मन कुक्ड फूड खाने का होता है, स्नेक अपने मुंह से हवा निकालकर लैंप नीचे गिरा देता। और जैसे ही लियो लैंप उठाकर वापस आती है तो स्नेक को दूसरी जगह पे बैठा हुआ देख के बोलती है कि तुम इतनी जल्दी इधर कैसे आ गए, तुम तो इंजर्ड हो, तुम्हें अपनी चोट का ध्यान रखना चाहिए। और फिर देखती है कि जाओबे ने तो उसका सारा कुक्ड फूड खा लिया है, तो सोचती है कि ये तो जानवर है, इसको कुक्ड फूड खाना कैसे पसंद है। लियो के जाने के बाद वो स्नेक एक हैंडसम लड़का बन जाता है। एक्चुअल में वो एक ड्रैगन किंग होता है जो कि इंजर्ड हो गया था। लियो की आवाज सुनते ही ड्रैगन किंग वापस से क्यूट सा स्नेक बन जाता है। लियो आकर के जाओबे को बोलती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, लोटस क्रिस्पी केक एंड स्वीट रोज केक, और मैं तुम्हारे लिए स्टीम्ड एग भी लेकर आई हूँ। बट जाओबे तो मुंह बना रहा होता है, तो लियो कहती है कि तुम्हें पसंद नहीं आया, मुझे तो लगा कि ये तुम्हारा फेवरेट फूड है, चलो मैं तुम्हारे लिए टी लेकर आती हूँ। जैसे ही टी लेने जाती है पीछे से ड्रैगन किंग सारा खाना उसका खा जाता है। लियो ये सब देख करके बोलते है कि तुमने तो सारा खाना मिनटों में ही खा लिया, और उसे फिर टी देती है। ड्रैगन किंग को टी पीते हुए देख के लियो उस पे हंसती है और कहती है कि अब मुझे पता चला कि तुम क्यों नहीं मेरे सामने कुछ भी खाते हो, और वैसे भी तुम तो इतने छोटू से हो, इतना सारा खाना कैसे खा जाते हो। इसके बाद वो उसको स्पेशल कैंडी देती है खाने के लिए। ड्रैगन किंग वो कैंडी खा तो जाता पर मन में वो यही सोचता है कि कितना गंदा टेस्ट था इसका, मेरा मन तो करता है कि इसे स्पिटी कर दूं। लियो को तो यही लग रहा होता है कि ड्रैगन किंग को ये कैंडी पसंद आई है, तो वो कहती है सॉरी मेरे पास एक ही थी, वो भी मुझे मिस ने दी थी, कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए और भी लेकर आऊंगी। फिर उसे कहती है कि तुम बॉय हो या गर्ल मुझे तो यही नहीं पता, और तुम बेबी तो नहीं हो कहीं, चलो डिनर तो तुम्हारा हो गया, तो मैं आज ग्राउंड पे सो जाऊंगी, तुम मेरे बेड पे सो जाना और बेड को एंजॉय करना। और अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर ग्राउंड पे सो जाती है। आधी रात को वो स्नेक फिर से हैंडसम सा लड़का बन जाता है और कहता है कि देखो कैसे सो रही है।
और फिर ड्रैगन किंग उसे नीचे से उठाकर बेड पे लिटा देता है और उसके सर के नीचे पिलो रख देता है और खुद भी उसके साथ ही लेट जाता है। पूरी रात लियो उस पर ही सो रही होती है, करवटें लेती रहती है, कभी इधर तो कभी उधर। सुबह होने पर ड्रैगन किंग उठता है और मन में सोचता है कि कितनी हैवी है ये, और फटाफट से उसको उठा के साइड पे कर देता है और खुद फिर छोटा सा स्नेक बन जाता है। लियो उठ कर के कहती है कि मैं बेड पर कहाँ कैसी आ गई, जाओबे के साथ सोई थी मैं सारी रात। और फिर नोटिस करती है कि मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ आज, बट ड्रैगन किंग कहता है कि मेरी तो वाट लग गई ना। अगली रात जब वो सो रहे होते हैं तो दोनों की किस हो जाती है, तो ड्रैगन किंग ये सोचता है कि इंसानों के होंठ इतने मुलायम होते हैं। फिर लियो सोते हुए अपने फेवरेट फूड का नाम ले रही होती है। सुबह होने पर अपना फेवरेट फूड टेबल पर देखकर लियो बहुत ही खुश होती है। अचानक उसे जाओबे की याद आती है, तो जाओबे को इधर उधर ढूंढकर फिर वो दोबारा जंगल में जाती है और जाओबे को आवाज़ें लगाती है। तभी जाओबे उसको छुपके देख रहा होता है, तो वो बैठकर सोचती है कि कहीं तुम्हें किसी ने खा तो नहीं लिया बनाकर। फिर जाओबे लियो के पास आता है और आते ही वो एक हैंडसम सा लड़का बन जाता है, जिसे देखकर लियो बहुत ही हैरान हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। ड्रैगन किंग सोचता है कि ये क्यों डर गई मुझसे, तो फिर वो कपड़े चेंज करके लियो के सामने जाता है और उसे कहता है कि मैं ही जाओबे हूँ, तुमने मेरे जख्म को ठीक करा है, बताओ तुम क्या चाहते हो उसके बदले। लियो पहले तो कुछ भी नहीं बोलती, बट बाद में कहती है कि मुझे वो गंदी सी ड्रैगन कैंडीज लेकर दे देना, क्योंकि वो एक्सपेंसिव थी। तो ड्रैगन कहता है कि मुझे लगा वो तुम्हारी फेवरेट है, बट लियो कहते है कि मेरे को लगा था तुम्हें अच्छी लगती है, तभी मैंने खरीदी थी अपनी मंथली सैलरी से। ड्रैगन किंग कहता है कि नहीं तो उसकी तो स्मेल इतनी गंदी थी। लियो जब मार्केट में सामान खरीद रही होती है तो ड्रैगन किंग भी उसके पीछे पीछे ही घूम रहा होता है, और जो जो सामान लियो खरीद रही होती है ड्रैगन किंग भी वही खरीद रहा होता है। तो लियो व्हाइट स्नेक वाली बुक लेती है, ड्रैगन किंग भी एक बुक खरीद लेता है और वो उस बुक में पढ़ता है कि किंग की जान एक लड़की बचाती है। तो किंग उसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, लड़की कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए पर आप मुझे अपने साथ रख लो हमेशा के लिए। तो यही बुक पढ़ के ड्रैगन किंग जाता है लियो के पास। लियो ड्रैगन किंग को देख के डर जाती है, तो ड्रैगन किंग वही करता है जो बुक में होता है, वो उसे गोद में उठा लेता है और लियो बोलती है कि मुझे नीचे उतारो, पर ड्रैगन किंग कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। तो ड्रैगन किंग उसे अपनी दुनिया में ले जाता है ड्रैगन पे बिठाकर। लियो डर रही होती है और बोलती है कि मुझे प्लीज छोड़ दो। जब वो उसे अपनी दुनिया में ले आता है तो लियो उसको डांटती है और बोलती है कि मुझे घर वापस जाने दो, पर ड्रैगन किंग सोचता है कि मैंने तो वही किया जो बुक में लिखा था। लियो को रोते हुए देख के ड्रैगन किंग कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बट लियो कहते है कि नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है।